नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर दो महीने से ज्यादा समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है। सरकार और किसान नेताओं की कई दौर की बैठक के बाद भी इसका निदान नहीं निकल सका है। किसान इन कानूनों को निरस्त करवाने की अपनी मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार इसमें संशोधन से अधिक कुछ नहीं करना चाह रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के भाई ने आंदोलन खत्म करने का फार्मूला सुझाया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर सरकार किसानों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना बंद कर अपना अड़ियल रवैया छोड़ दें तो मामला सुलझ सकता है। उन्होंने कहा कि सब कुछ सरकार पर निर्भर है। दरअसल केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में मुरादाबाद जनपद के बिलारी कस्बे में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर और बदायूं जनपद के किसान शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत महापंचायत में शामिल हुए। नरेश टिकैत ने कहा कि कृषि घाटे का सौदा हो गई है और सरकार कह रही है इसमें फायदा है, हमें अपना नफा नुकसान पता है, इसलिए वे इस तरह का रवैया ना अपनाएं। वहीं विदेशियों द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन पर नरेश टिकैत ने कहा कि विदेश से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा तो यही कहना है कि विदेशों में भी बात तो जाती है और सरकार की छवि खराब हो रही है तो इस तरह की नौबत क्यों लाई जा रही है। महापंचायत में पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए और कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया। वहीं नरेश टिकैत ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि किसानों का मनोबल नहीं टूटेगा, हम किसानों के दुख दर्द में साथ हैं, किसानों को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, हिंसा में हम विश्वास नहीं करते, हम शांति से आंदोलन चलाते रहेंगे, आंदोलन को सब किसान अपने खर्चे से चला रहे हैं।